नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस यानी विज्ञान के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। सेंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। बात करें पानी की तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होता है। संघनन एवं क्वथनांक प्रायः एक ही होता है। बात करें निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, यह संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्स इसकी तरंग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुछ समय। बात करें पल्स की तो यह कुछ समय की तरंग होती है। मानव में समान नाड़ी दर 72 प्रति मिनट होता है तथा समान रक्तचाप 120/80 होता है। बात करें श्वसन दर की तो यह 16 से 20 प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दहन। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। CO2 दहन का अपोषक है। बात करें हाइड्रोजन की तो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंबाई के। बात करें प्रतिरोध का तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। फिर अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है तो ये चालक का प्रकृति पर, चालक के ताप पर, चालक के लंबाई पर तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल सरकार से बनी होती है जिसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए काइटिन। नेक्स्ट है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस बात पर निर्भर करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या पर। बात करें परमाणु संख्या की तो ये किसी मौलिक गुण है जो सबसे अस्थायी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मुस्लिम ने 1913 ईस्वी में परमाणु संख्या को किसी तत्व का आधारभूत तत्व को रूप में प्रमाणित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को निम्न में से क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्केन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चांदी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कोयला के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस का निर्माण होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेबल साल्ट। टेबल साल्ट के नाम से सोडियम क्लोराइड को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट प्रश्न है, माइका क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विद्युत का कुचालक। बात करें माइका की तो इसे अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। माइका भारत में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क को। नेक्स्ट प्रश्न, बालकों में अंधापन का कारण किस विटामिन की कमी कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए के। बात करें विटामिन की तो इसकी खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन ए डी ई के होता है,
बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, तो ये बी एवं सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्स टेंस एक उपकरण है जो मापता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी के मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंक निम्न में से क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। आज का आखिरी सवाल, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में अवस्थित होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। पुरुषों में मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम होता है, वहीं महिलाओं में इसका वजन 1350 ग्राम होता है। बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क वजन शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 सवाल। अगर 20 सवाल में से आपके कितने सही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।